हेलो दोस्तों, देखो फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गूगल डॉक्स में बॉर्डर कैसे क्रिएट करते हैं पेज के चारों तरफ। तो देखिए, गूगल डॉक्स में बॉर्डर क्रिएट करने का कोई ऑप्शन दिया नहीं होता, हम एक ट्रिक के थ्रू बॉर्डर क्रिएट करेंगे। तो 3 फेज में ये वीडियो कवर करेंगे, बॉर्डर क्रिएट करना और बॉर्डर की जो लाइन है उसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ाना, उसको थोड़ा सा थिक, उसको थोड़ा सा थिक करना और उसका कलर चेंज करना। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने गूगल डॉक्स का पेज ओपन है, एक ब्लैंक पेज हमने ये लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे। तो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए हमको जाना होगा यहाँ इंसर्ट में। ये देखिए ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हम जाएंगे टेबल पे, ठीक है, और उसके बाद हमको एक सिंगल ब्रैकेट वाली टेबल जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, एकदम सिंगल ब्रैकेट वाली। तो ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। आप इसको आप नीचे तक करते जाइए तो आप देखेंगे कि ये बॉर्डर का ऑप्शन आपके सामने आ गया, ये दूसरे पेज पे चला गया। इसको हम सिंगल मतलब फर्स्ट पेज पे ही रहने देते हैं क्योंकि हम इसे पहले पे ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको हम दोनों तरफ से इस लाइन को पकड़ के थोड़ा सा खींच देंगे तो ये एकदम साइड में अपने हिसाब से आप जितना आपको चाहिए उतना आप इसको मतलब लेफ्ट एंड राइट जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट एंड राइट का जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा, तो जितना चाहे आप मार्जिन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अच्छा देखिएगा ऊपर और नीचे नहीं जा पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर आप इसको लेने जाने की कोशिश करेंगे तो ये स्पेस से हट के दूसरे पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हम इसको नहीं खींच पाएंगे। अच्छा, आप क्या करना है, हमें इसकी चौड़ाई बढ़ानी है। ठीक है, तो चौड़ाई बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, कहीं भी बीच में माउस रख के आप राइट क्लिक कर दीजिए और नीचे जाना है आपको टेबल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ये देखिए टेबल प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको दिख रही है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप इसकी जो है वो चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। ये देखिए टेबल बॉर्डर विड्थ लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए टेबल बॉर्डर विड्थ, इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देगा, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 6 PPT पे ले लेते हैं, 6 पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ समझ लेते हैं। थोड़ा तो चौड़ाई हमने बढ़ाई, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कलर, आप कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो रेड कलर लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसकी जो है चौड़ाई बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि टेबल की जो है चौड़ाई भी बढ़ गई और कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं गूगल डॉक्स में। अब आप चाहें तो बीच में कुछ लिख सकते हैं। ठीक है,